महाराष्ट्र में नागपुर के शिवानी नगर इलाके से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां दिन दहाड़े एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि नागपुर शहर के शिवानी नगर इलाके में बहने वाले एक नाले में दो व्यक्तियों का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें पहली बार देखने पर यह लग रहा है कि एक व्यक्ति पानी में डूब रहा है और दूसरा व्यक्ति उसे बचाने के लिए पानी में उतर गया। पर जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है तो इस घटना की पूरी सच्चाई हमारे सामने आती है। दूसरा व्यक्ति उसे बचाने के लिए नहीं बल्कि उसका कत्ल करने के इरादे से उसके पीछे गया था। इस पूरे मामले में मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी गोलू घोटे ने अपने एक साथी के साथ मिलकर के योगेश नामक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया, जिसके पीछे यह कारण सामने आ रहा है कि योगेश के गोलू घोटे की पत्नी के साथ अवैध संबंध थी, जिसके चलते आरोपी ने योगेश को नाले के पास बात करने के बहाने बुलाया और मौका देख करके उसकी हत्या कर दी। बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कातिल बड़ी ही बेरहमी से योगेश पर चाकू से लगातार हमले कर रहा है। इतना ही नहीं, यह कातिल तब तक नहीं रुका जब तक योगेश को कोई बचाने के लिए वहां पर नहीं आया। जयपुर से भावना मिश्रा की रिपोर्ट।